हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपने किचन में बनाने वाले हैं ज़बरदस्त चटपटा नाश्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप सब हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है प्याज को। प्याज को हम पहले से काट कर लिया है, बिल्कुल हमें इसी तरह काटना है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा। अब इसे हम हाथों के सहारे से इसके कलियों को हम अलग कर देते हैं, ताकि दोस्तों हमें पकाने में आसानी हो। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। सारे प्याज को हम इसी तरह से अलग कर लिए हैं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक बाउल। अब बाउल में अपने प्याज को डालते हैं। प्याज हमारा बड़ी वाली कटोरी से एक कटोरी है। और हम यहाँ पे लिए हैं पालक। पालक हमारी छोटी कटोरी से एक कटोरी है। दोस्तों, पालक डालने से खाने में इसका स्वाद और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम यहाँ पे लिए हैं बड़े वाले चम्मच से एक चम्मच चावल काटा, इसे भी डाल देते हैं। दोस्तों, चावल काटा हमारा कुरकुरा होने का काम करता है। और यहाँ पे लिया है एक चम्मच बड़ा वाले से बेसन, बेसन को भी हम डाल देते हैं। बेसन दोस्तों हमारा जोड़ने का काम करता है। और हमने यहाँ पर लिया है छोटा चम्मच से लहसुन, लहसुन को हम कूट कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। और हमने यहाँ पर लिया है अदरक, अदरक हमारा आधा चम्मच है, इसे भी हम कूट कर लिए हैं। इसके बाद हमने लिया है एक चम्मच हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी हमने कूट कर लिया है, अब इसे भी हम डाल देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और डालते हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं एक चम्मच धनिया पाउडर। और दोस्तों, हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हींग, हींग को भी हम डाल देते हैं। दोस्तों, हींग डालने से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आखिरी में बचा है हमारा नमक। नमक अब इसमें हम एक चम्मच डाल देते हैं। दोस्तों, नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। दोस्तों, ये प्याज का नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और लोग इसे बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं। दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम गूथना शुरू करते हैं। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसे हमें एक डो की तरह तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम डो तैयार करना है। दोस्तों, ये हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल पीसेस की तरह तैयार करना है। सबसे पहले हम लगाते हैं हाथों में अपने तेल। अब हम लेते हैं चम्मच के सहारे से एक वाइट। हाथों में लेने के बाद अब इसे हम घुमाते हुए गोले का आकार देंगे। अब हाथों से हम थोड़ा इसे दबा देते हैं, और दोस्तों आप सब देख सकते हैं पीसेस हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से सारे पीसेस को हम बना लेते हैं। दोस्तों, सारे पीसेस को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसे हम छानना शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस को हमने ऑन कर दिया है, और गैस पे अपना कढ़ाई भी रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालते हैं। अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें पीसेस को हम डालते हैं। दोस्तों, गैस को बिल्कुल हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल हमें इसे मीडियम आंच में पकाना है, तो गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल उलटते पलटते हुए पकाना है, इसे हमें ब्राउन कलर करना है, अब इसे हम पलट देते हैं। दोस्तों, प्याज के नाश्ते आप बहुत खाए होंगे, एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार खाने को मन करेगा, सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों, ये हमारा पककर तैयार हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, इसे बारिश के मौसम में ज़रूर बनाकर खाइए। अब इसी तरह सारे पीसेस को हम छानकर निकाल लेते हैं। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे पकाना है, उलटते पलटते, और गैस को हमें मीडियम ही रखना है। इसी तरह सारे पीसेस को हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं।
दोस्तों सारे पीसेस को हमने छान कर निकाल लिया है, आप सब देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप सब देख सकते हैं बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम है। अब इसे हम आप सबको तोड़ कर दिखाती हूँ। दोस्तों आप सब देख सकते हैं अंदर से कितना नरम है। तो दोस्तों इस रेसिपी को अपने घर जरूर बनाइएगा और जरूर खाइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।